मेरी शादी का लहंगा कुछ इस कलर का है। आज फाइनली वो दिन आ गया जब मेरी शादी का लहंगा मेरे पास आने वाला था। शादी नहीं, ये है रिसेप्शन का लहंगा, क्योंकि शादी का लहंगा तो मेरा रेड कलर का था। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे फिटिंग में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे खोल रही थी। डब्बा इतना ज्यादा बड़ा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने आउटफिट्स भेज दिए हैं इसके अंदर। लेकिन मेरी कैंची भी छोटी पड़ गई थी, वो भी कह रही थी भाई मुझे चेंज करो और बड़ी कैंची लेकर आओ। मैंने कैंची को रख दिया साइड में और मैं अपने हाथ से ओपन करने लगी। फिर मुझे लगा नहीं भाई, हाथ से तो बिल्कुल ओपन नहीं हो सकता, मुझे ये कैंची से ही ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी मुश्किल मुझे फेस करनी पड़ी अपना लहंगा खोलने में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पिंक कलर का लहंगा आजकल बहुत सारे लोग पहन रहे हैं अपनी शादी में, या फिर व्हाइट, लेकिन मुझे सच बताऊं तो रेड कलर से ज्यादा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने ये कलर पिक किया, अदरवाइज मैं रेड ही करती। बीच में मुझे मेरी मम्मी के कॉल्स आ रहे थे तो मैं उनको आंसर कर रही थी और बोल रही थी अभी मैं अपना लहंगा ओपन कर रही हूँ। फिर इसके अंदर भी मुझे एक बॉक्स मिला जिसके अंदर भी एक बॉक्स था। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने बॉक्स इन्होंने पैक क्यों करे हैं, क्या लहंगे को कुछ हो जाता या उसको कोई नजर लग रही थी, समझ नहीं आया। एक के बाद एक पन्नियां खुली जा रही थी। फिर फाइनली बारी आई मेरे लहंगे को निकालने की, वो भी बाहर पन्नी के अंदर से। फिर देखा मैंने उसके अंदर एक और पन्नी है। भाई इतनी अच्छी पैकिंग कौन करता है भला, लेकिन मानना पड़ेगा जितने भी अच्छे डिजाइनर्स होते हैं वो अच्छी ही पैकिंग करके देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही घंटों में अपना लहंगा बनाते हैं। ये लो जी मेरा ही फुल स्लीव्स का ब्लाउज, मैंने अपना ब्लाउज ऐसे ही बोला था उनको देने के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही दिया, बट थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि ये लूज ना हो, क्योंकि जब भी मैं बाहर से कुछ भी मंगाती हूँ विदाउट ट्रायल के वो मुझे लूज होता ही होता है। मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है, कभी मोटा तो कभी पतला हो जाता है। और ये देखो कितना प्रिटी लहंगा है, लेकिन 15 किलो का लहंगा, इतना हैवी कि मुझसे संभाले ही नहीं संभल रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस लहंगे को पहनने के बाद क्या क्या करूंगी, वॉक करना है, घूमना है और डांस करना है। थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर मैंने सोचा अब ब्लाउज को पहन लेते हैं, अगर आलस करूंगी तो नहीं पहन पाऊंगी। एक घंटे के बाद मैं ब्लाउज पहन पाई अंदर से इनर डाल के, और आप देख सकते हो ये मेरे ब्लाउज है लूज। ब्लाउज है बहुत सुंदर लेकिन लूज, इसी चीज़ का मुझे दुख था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास टाइम है एक दिन का, तो मैं इसको स्टिच करा सकती हूँ। और ये है इसका पिंक कलर का दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत सुंदर लग रहा था, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। अगर ग्रीन कलर होता ना तो और भी अच्छा लगता। वेल ये था मेरा लहंगा, मेरा दुपट्टा और मेरी चोली। आपने अपनी शादी में फुल स्लीव्स पहना था या हाफ स्लीव्स, मुझे ये कमेंट्स करके बताना। और मुझे दुपट्टा कैसे रखना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो मुझे उसी दिन पता चलेगा। वेल सुंदर तो बहुत ही लग रहा है लहंगा, लेकिन हैवी बहुत है। आपको कैसा लगा कमेंट्स से बताना, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट्स से बताते हुए जाना। मिलते हैं शाम 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू, ऐसी मेरी वीडियो को प्यार देते रहना। बाय।